रियल शार्क्स के साथ डाइविंग करना, वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग में घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि हफ्ते गुजारना, एंड एक्टर्स ऑलमोस्ट पासिंग आउट फ्रॉम एग्जॉशन, जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज था मेक को शूट करना। और उसी की तरह मेक टू में भी कोई शॉर्टकट्स नहीं था भाइयों, उसका टास्क भी कई ज्यादा डिफिकल्ट था। तो आइए चलकर देखते हैं कि ये स्टंट किस तरीके से शूट किए गए थे और क्या सचमुच इन एक्टर्स की जान खतरे में थी। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? 1975 में डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी जॉज, जो एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी थी। लेकिन उसके मुकाबले दोस्तों मेक टू में जो सीन्स क्रिएट किए गए थे वो बहुत ही हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले थे। पानी के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी मूवी शूट की गई है, लेकिन मेक टू इन सब के मुकाबले कई ज्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि शूट करते समय इन्होंने फेस किए ढेर सारे चैलेंजेस। जैसे कि पहला उनमें से था वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग, फिल्मिंग इन वाटर, और वो भी सैकड़ों घंटों के लिए। ये फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होता है। बहुत से एक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते अंडर वाटर शूट के लिए, और आपको बताना चाहूंगा उनमें से कुछ, इंक्लूडिंग द चाइल्ड एक्टर, इन्होंने स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए तैरना सीखा था। और बस इन्हीं सब में हमारा हीरो जेसन स्टेथम, वो तो हर कोई कारनामा करने के लिए तैयार बैठे थे। अपना एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले जेसन एक प्रोफेशनल डाइवर भी थे। बस इतना ही नहीं, 1990 के कॉमनवेल्थ गेम में जेसन ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। फिल्म शूट करते समय एक्टर सेफ रहे इसीलिए उन्हें वाटर सेफ्टी कोर्स करना पड़ा, जहां पर उन्होंने पानी के अंदर के सर्वाइवल टेक्निक सीखे। फिल्म के स्टंट कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर गैरी पॉल ये बताते हैं कि सभी एक्टर्स को सर्वाइवल टेक्निक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाए गए, क्योंकि फिल्म का बहुत सारा हिस्सा अंडर वाटर शूट होने वाला था और फिल्म को रियल लगने के लिए अंडर वाटर शूटिंग भी जरूरी था। और चलिए अब चलते हैं अगले चैलेंज की ओर, जो है फिल्मिंग इन ओपन वाटर। एक्शन सीन्स रियल लगने के लिए कई महीनों तक इन्होंने समंदर में शूट किए। मेक टू का शूट थाईलैंड में किया गया था, लेकिन इससे पहले आई हुई मेक, उसका शूट हुआ था न्यूजीलैंड के पानी में। जेसन बाकी एक्टर्स के मुकाबले खतरनाक से खतरनाक सीन बहुत आसानी से संभाल लेते हैं। आपको याद होगा मेक वन का वो सीन जिसमें जेसन एरो से शार्क को शूट करते हैं। इस सीन से पहले अंडर वाटर जाकर जेसन ने रियल शार्क के साथ कुछ समय भी बिताया। सब कुछ रियल लगने के लिए उन्होंने एक्चुअल बोट पर क्रेन भी फिक्स की और जिसमें लगाए गए अलग अलग एंगल पर कुछ कैमरास, एंड देन दे ड्रैग जेसन थ्रू द सी। जी हाँ, पानी के अंदर शूट करना फिल्म को रियलिस्ट अप्रोच देता है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। जैसे कि पानी के अंदर जब शार्क अटैक करते हैं उस वक्त डिजिटल और रियल लाइफ शूट को एक साथ मिलाकर उनके कलर्स, उनके शैडोज, उनके लाइट्स मैच करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीन की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए इन लोगों को शूट करते समय तब तक रुकना पड़ता जब तक उन्हें प्रीवियस डे वाली ही सेम लाइट ना मिले, और इस चक्कर में घंटों क्रू खाली ही बैठा रहता, क्योंकि अगर यही चीज स्टूडियो के अंदर शूट की जाए तो वहां पर आर्टिफिशियल लाइट के सहारे सेम लाइट इफेक्ट कैरी कर सकते हैं। अगला चैलेंज भी ऐसा ही कुछ अतरंगी है, जो है फिल्मिंग इन स्टूडियो टैंक्स। मेक टू यूके के वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो में शूट की गई थी, लेकिन मेक वन कम्यून फिल्म स्टूडियोज के मैसिव टैंक्स में शूट की गई थी। इंडोर वाटर टैंक एक्चुअल में बहुत ज्यादा ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ा था। वो 18 मीटर वाइड और 5 मीटर डीप था, जिसकी वाटर कैपेसिटी 1.2 मिलियन लीटर्स की थी और उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता था। शार्क अटैक वाला सीन कुछ इस तरह से अंदर शूट किया जाता था। शूट के दौरान टैंक के इर्द गिर्द सेफ्टी डाइवर्स मौजूद हुआ करते थे। इस तरह से अंडर वाटर का एनवायरनमेंट कंट्रोल में होने के बावजूद भी अंडर वाटर शूट करना
क्रेजी और टायरिंग भी था। ये तो ही फर्स्ट टैंक की बात। अब चलते हैं सेकेंड टैंक की ओर, जो आउटडोर में क्रिएट किया गया था, जिसमें ओशियन का सरफेस दर्शाया जाने वाला था। भाई इस टैंक में तो 2.5 मिलियन लीटर्स का पानी था। इसके अंदर एक वेव मेकर भी था, जिसकी वजह से लहरें उठती थी। और इसी के साथ साथ मैसिव ग्रीन स्क्रीन भी चारों ओर लगी हुई थी, जो कि 70.6 मीटर लंबी थी और उसकी हाइट थी 13 मीटर। बचे कुचे सारे आउटडोर सीन्स यहीं पर शूट किए गए। इन एक्टर्स ने इस टैंक में कई हफ्ते बिताए, लेकिन इस सब के बावजूद असली दिक्कत तब आती थी जब इन्हें उस शार्क को देखकर अज्यूम करके रिएक्ट होना है, जो शार्क आसपास थी ही नहीं। For that entire time, I got to the very end, and I just my body couldn't do it anymore, and I had to be like lifted out of the water by Jason and Rain for one of the scenes, and they were like, "Oh, that's your last take." All right, so let's restage it and shoot again. It's hard because you cannot talk, but you can't communicate with the cameraman. You need to be able to hold your breath, stay calm. Jason को खींचने के लिए Wilson Search का use किया गया, क्योंकि डायरेक्टर को पर्टिकुलर स्पीड एक्सपेक्टेड थी। इसी के साथ उन्होंने कुछ इस तरीके के मशीन्स भी क्रिएट किए, जो कि सबमर्शियल्स का इफेक्ट ला दे। और इसके बाद आता है नंबर VFX एंड एनिमेट्रॉनिक्स। ऑब्वियसली इस फिल्म में ढेर सारे विजुअल इफेक्ट्स का भंडार था। ग्लाइडर्स के साथ वाले चेस सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए। जेसन की बॉडी का पूरा स्कैन किया गया, जिससे उन्होंने जेसन का एक डिजिटल बॉडी डबल क्रिएट किया, क्योंकि कुछ सीन इतने खतरनाक थे कि वो जेसन से करवाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेगालोडॉन का डिजाइन। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ पर मौजूद है मेगालोडॉन का दांत, और उसके मुकाबले ग्रेट व्हाइट शार्क का टीथ देखिए कितना छोटा दिखता है। अंदाजन 60-80 फीट लंबी ये शार्क थी, जो कि ऑलमोस्ट एक ब्लू व्हेल के बराबर है। तो इसलिए फुल एनिमेटॉनिक शार्क बनाना बहुत दिक्कत का काम होता। हालांकि ये चीज जॉज में स्टीवन स्पीलबर्ग ने करके दिखाई थी, लेकिन यकीन मानिए फिल्म में ये सब कुछ रियल से भी ज्यादा रियल दिखता है। लेकिन चलिए एक और राज आपके साथ शेयर करते हैं। इन्होंने उस शार्क का रियल हेड बनाया था, जिसे उन्होंने फिल्मिंग के दौरान यूज किया। भाई इस चीज की साइज, इसकी आंखें, इसकी स्किन डिटेलिंग पर बहुत बढ़िया से काम किया गया, ताकि वो रियल लुक दे पाए। बस इतना ही नहीं, जब ये मछली मुंह खोलती है और बंद करती है, वो भी बहुत रियल दिखता है। इसी के साथ उन्होंने एक मछली का सर तो आधा भी बना दिया, और ये वही है दोस्तों जो पानी से बाहर आती है और जेसन उसकी आंख में सलिया घुसेड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक मैसिव रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली शार्क भी बनाई थी, जिसका लुक भी बहुत रियल था। उसी के साथ इन्होंने ये छोटे छोटे डायनासोर भी क्रिएट किए थे, जो भी रियल ही दिखते थे। ऐसे ही अलग अलग मसालेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन भाइयों, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार, वो बेल आइकन को हिट कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, वाह।